ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा प्रेसिपिटेशन वाले वीडियो लेक्चर का पार्ट बी। पार्ट ए में आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका, जिसके अंदर हमने टोटल वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की वेराइटी 2 देखी थी, और आज अभी मैं आपको यहाँ पे वेराइटी नंबर 3 बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर 2 में अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पार्ट ए कंप्लीट देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने पार्ट ए नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले जाइए और पार्ट ए को देखिए, वरना पार्ट बी में आपका टाइम बर्बाद होगा क्योंकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगा। ओके, तो देखिए जो आपकी ये वेराइटी नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ऑलरेडी जेई और एम्स के अंदर पूछा जा चुका। वैरायटी नंबर 3 को मैं आपको इसी क्वेश्चन की हेल्प से बताऊंगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 10^-3 मोल HCl सॉल्यूशन आपको गिवन है, और आपको गिवन है यहाँ पे 10^-6 मोल AgNO3 सॉल्यूशन, ये दोनों आपको गिवन है। अब आपको एग्जामिनर यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो 10^-3 मोल HCl सॉल्यूशन है इसको आपको मिलाना है 10^-6 मोल AgNO3 सॉल्यूशन में, यानी कि AgNO3 के अंदर आपको HCl को डालना है। ओके, एग्जामिनर ने जैसा बोला वैसा वैसा मैंने कर दिया। अब देखिए आपको क्वेश्चन में आगे गिवन है, यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, यानी कि यहाँ पे इन दोनों को 3:1 वॉल्यूम के रेशियो में मिलाया गया है, और आपको यहाँ पे केएसपी गिवन है AgCl का, ये कितना 10। और अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको क्वेश्चन में यहाँ पे बतानी है AgCl की PPT बनेगी या नहीं बनेगी, और साथ में आपको यहाँ पे QSP निकालना है AgCl का कि यहाँ पे QSP की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे आपसे, तो एक ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे फर्स्ट, अब मैंने आपको टिप्स बताई थी, हमारी टिप्स क्या थी, सबसे पहले आप टारगेट चेक कर लो कि आपका टारगेट क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट है हमको PPT निकालनी है AgCl की, आपका ये टारगेट है। और दूसरा टारगेट क्या, आपको QSP निकालना है। तो सबसे पहले आप QSP निकाला करो ऐसे क्वेश्चन को करते वक्त, इससे आपको क्या है क्वेश्चन ईजी बनेगा, आपको पता लगेगा हमको क्वेश्चन में क्या करना है, हमको आगे कैसे बढ़ना है। तो हम यहाँ पे QSP निकालेंगे AgCl का, बताओ QSP कैसे निकालेंगे, इसको ब्रेक करो, AgCl किस में ब्रेक होगा, Ag+ + Cl- में। तो अब हम यहाँ पे इसका ये QSP निकाल लेते हैं, Ag+ .Cl- हमने यहाँ पे रख दिया। अब आपको पता लगेगा कि हमको क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे कि अभी आपको पता लग गया होगा हमको यहाँ पे Ag+ के यहाँ पे क्या चाहिए, हमको यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन चाहिए, हमको यहाँ Cl- की कंसंट्रेशन चाहिए। कहाँ से लाए, हमको तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, हमको तो यहाँ HCl और AgNO3 की गिवन है। तो अब आपको पता लगा कि हम यहाँ पे क्लोरीन के लिए यहाँ से निकालेंगे कंसंट्रेशन, और सिल्वर के लिए Ag के लिए हम यहाँ से निकालेंगे कंसंट्रेशन। तो निकालिए कैसे निकालेंगे, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्लोरीन माइनस की कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो इसके लिए इस क्वेश्चन में अलग है वो ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे HCl की कंसंट्रेशन निकालनी होगी। तो आपको यहाँ पे बस एक फॉर्मूला याद रखना है, M1V1 / V1 + V2, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। क्लोरीन माइनस के निकालेंगे तो सबसे पहले आपको HCl के लिए निकालनी होगी, बताओ M1 कितना है, M1 की वैल्यू पुट करो 10^-3, V1 कितना है यहाँ पे, V1 आपका यहाँ पे 3, और देखिए V1 + V2 यानी 3+1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 × 10^-3/4, ये आपका HCl के लिए निकल के आ जाता है। तो बताओ यहाँ पे क्लोरीन माइनस के लिए कितना होगा, भाई क्लोरीन माइनस के लिए भी सेम टू सेम यही होगा, ये आपका क्लोरीन माइनस के लिए भी आपका इतना ही होगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे Ag+ की कंसंट्रेशन निकालते हैं, यानी कि सिल्वर की कंसंट्रेशन निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले AgNO3 की निकालेंगे, तो AgNO3 की निकालिए, बताइए यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, M1V1 / V1 + V2, नहीं यहाँ फॉर्मूला लगेगा M2V2 / V1 + V2। M2 कितना आपका 10^-6, आपका V2 कितना यहाँ पे, आपका V2 है 1, V1 + V2 वही 3+4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10^-6/4, आपका यहाँ पे ये Ag+ के लिए निकल के आएगा, और ये क्लोरीन माइनस के लिए ये निकल के आ गया था। कुछ नहीं करना, इन दोनों को बस इसमें पुट कर दीजिए, आपका यहाँ पे QSP निकल के आ जाएगा। तो QSP के लिए आप पुट कीजिए, Ag+ कितना है 10^-6/4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना आपका 3 × 10^-3/4, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका कितना आएगा, आपका आएगा ये 3 × 10^-9/ कितना आएगा ये 16, और आप इसको आगे सोल्व करोगे तो आपका आएगा 0.18 × 10^-9, आपका ये निकल के आ जाएगा। तो बताओ आपका एक क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया, फिर बच रहा क्वेश्चन नंबर 1, PPT बनेगी या नहीं बनेगी, अभी हाँ ना में और जवाब देना है, यस और नो में आपको उसको आंसर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, आप इससे कंपेयर कीजिए, आपको यहाँ पे KSP गिवन था, इसका कितना था KSP, इसका KSP आया था हमारा 10। चलो अब आप बताओ कि यहाँ पे जो आपकी QSP की वैल्यू निकल के आई है, ये यहाँ पे KSP से ज़्यादा या कम है, ये 10 से ज़्यादा या कम है, बताओ ये कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका KSP ज़्यादा है यहाँ पे किससे, QSP से। तो इस कंडीशन में यहाँ PPT क्या होगा, नहीं बनेगी, PPT नहीं बनेगी। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल, बताओ बस एक फॉर्मूला आना चाहिए, M1V1 / V1 + V2, M2V2 / V1 + V2, ईजी क्वेश्चन था, मैंने बता दिया। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन की तीनों वेराइटी कंप्लीट होती है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा फोकस करना आप KSP वाले क्वेश्चन पर,
वहाँ से जरूर मिलेगा आपको क्वेश्चन, यहाँ से तो आएगा या नहीं आएगा बट वहाँ से जरूर आएगा। इस प्रकार ये सब कंप्लीट होता है। अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने इक्विलिब्रियम के लिए, पहले ओस्टवाल्ड लॉ का भी ला सकता हूँ और मैं ला सकता हूँ बफर सॉल्यूशन, कोई सा भी ले आऊँगा जो मुझे अच्छा लगेगा वही। तो बस अब आज के वीडियो लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आपको केएसपी का और प्रेसिपिटेशन का जो भी क्वेश्चन लगाना है वो लगा लो, एलन का मॉड्यूल लगाना लगा लो, आकाश का लगा लो, और आपको जो भी बुक लगानी है उस बुक को आप लगा सकते हो, बिकॉज मैंने आपको सारे कंसेप्ट दे दिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो और साथ में अपना सपोर्ट जरूर करो, वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।